हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो यार, आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे हरियाणा बोर्ड क्लास 10th और 12th के एडमिट कार्ड यानी कि रोल नंबर के ऊपर। जितने भी स्टूडेंट्स हरियाणा बोर्ड के हैं वो आज की वीडियो जरूर देखें, क्योंकि रोल नंबर एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना आपकी पूरी साल की मेहनत खराब हो सकती है। क्यों? क्योंकि किसी को अगर रोल नंबर ही नहीं मिले तो वो एग्जाम कैसे देगा। तो आपको ऐसी कोई नौबत ना आए उसके लिए आज की वीडियो में चर्चा करेंगे कि भाई आपको कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी है अपनी तरफ से। वैसे तो रोल नंबर बोर्ड जारी करेगा, लेकिन कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको भी अपने तैयार रखने हैं, तो वो क्या है आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर एक न्यूज निकल के आई है आज, मैं आपको वो न्यूज दिखाता हूं। यहां पर आप न्यूज देख सकते हैं, अमर उजाला की न्यूज है। निदेशालय ने बोर्ड को नहीं दी अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों की सूची। अब ये पूरा मामला समझो तभी तुम्हें समझ में आएगा। क्या होता है कि हरियाणा के अंदर बहुत सारे स्कूल्स हैं, कुछ ऐसे स्कूल्स हैं प्राइवेट जिनके पास मान्यता नहीं है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर अपने 10th और 12th के स्टूडेंट्स का जो है फॉर्म भर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, बोर्ड उस फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं करता, रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि उनके पास मान्यता नहीं है। तो ऐसे ही 60,000 के आसपास बच्चे हैं हरियाणा के जो कि 10th और 12th के यहाँ पर ऐसे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो उनके एग्जाम दिलाने को लेकर पंगा चल रहा है। तो उसी को लेकर यहाँ पर अपडेट आई थी, लेकिन इसी में ही बोर्ड चेयरमैन साहब ने जो है आपके रोल नंबर के रिगार्डिंग भी अपडेट दे दी। क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टरों ने पूछा होगा कि भाई उन बच्चों का पेपर सर दिलाने दोगे या नहीं दिलाने दोगे, उनके रोल नंबर कब आएंगे, तो सभी के रोल नंबर के बारे में थोड़ा सा उन्होंने बता दिया है। क्या बताया है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले न्यूज़ देखते हैं जो बोर्ड के रिगार्डिंग आई है, बोर्ड रोल नंबर के रिगार्डिंग, फिर जो बोर्ड चेयरमैन साहब ने कहा है वो देखेंगे। तो यहाँ पर न्यूज़ देखिए इस कॉर्नर में, परीक्षा से 10 दिन पहले ही बोर्ड जारी करेगा रोल नंबर, यानी कि बोर्ड जो है वो आपके एग्जाम से 10 दिन पहले आपके रोल नंबर जारी करेगा, ऐसा यहां पर कहा गया है न्यूज़ के हिसाब से। आगे देखिए, 10वीं और 12वीं की परीक्षा 27 फरवरी से शुरू हो रही है। बोर्ड परीक्षा से करीब 10 दिन पहले ही 10वीं और 12वीं के परीक्षार्थियों के रोल नंबर जारी करेगा बोर्ड। रोल नंबर बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड होंगे, जिससे संबंधित विद्यालय अपना लॉगिन आईडी डाल के जो है डाउनलोड कर सकता है। आगे इन्होंने कहा कि जो अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों के बच्चे हैं उनकी अभी कोई प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है, ना उनके रोल नंबर बनाए गए हैं ना पेपर बनाए गए हैं। तो अगर उनकी सूची हमारे पास आ जाती है यानी कि उनकी लिस्ट आ जाएगी तो हम उनका भी काम शुरू कर देंगे। इसके अलावा ये तो बात हो गई न्यूज़ की, अब बोर्ड चेयरमैन साहब ने क्या कहा वो सुन लीजिए। इधर देखिए, जब तक बोर्ड के समक्ष अस्थायी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की शिक्षा विभाग से सूची नहीं आती, तब तक उनके यहाँ पर जो है दाखिल बच्चों की परीक्षा की प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी। जैसे ही शिक्षा निदेशालय से सूची मिलेगी इन बच्चों की परीक्षा दिलाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यानी कि ये वही बात हो रही है जो मेन न्यूज़ थी उसकी, ठीक है। लेकिन जो सबके काम की न्यूज़ है वो देखिए इस लाइन में, बोर्ड परीक्षार्थियों के अनुक्रमांक भी फरवरी के दूसरे सप्ताह में जारी होंगे। यानी कि बोर्ड चेयरमैन साहब ने क्लियरली बोल दिया है, सेकेंड वीक के आसपास आपके एडमिट कार्ड जो है यानी कि रोल नंबर जो है वो यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए डाल दिए जाएंगे, जारी कर दिए जाएंगे। तो ये न्यूज़ आप देख सकते हैं। तो ये पूरा पंगा क्या है कि यहाँ पर जो मेन न्यूज़ है वो तो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि यहाँ पर अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों के हैं, लेकिन उसी के बीच में सभी के रोल नंबर के रिगार्डिंग भी जो है उनके मुँह से निकल गया और उन्होंने बता दी है कि भाई यहाँ पर जो है सेकेंड वीक के आसपास हम लोग जारी करेंगे। लेकिन अब इसमें एक ट्विस्ट हो सकता है इन माई ओपिनियन, क्योंकि यहाँ पर देखिए दो प्रकार के स्टूडेंट हो गए। एक वो स्टूडेंट है जो यहाँ पर सारे काम जिनके कंप्लीट हैं उनके रोल नंबर शायद थोड़ा सा पहले भी जारी हो जाए, और ये जो अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों के बच्चे हैं 60,000 के आसपास जिनके स्कूल्स ने जो है यहाँ पर अभी तक फॉर्म वगैरह की प्रक्रिया पूरी नहीं की है, इनके थोड़े से लेट भी हों। तो अपडेट जो भी आएगी आगे आगे वो मैं आपको बताता रहूँगा, लेकिन ये जो मेन अपडेट है वो मैं आपको बताता हूँ जो मुझे यहाँ पर और अंदर से पता चली है कि फरवरी में ही आएंगे एडमिट कार्ड, ये कन्फर्म है, ठीक है। अब वो फरवरी में स्टार्टिंग में आएँ या फिर सेकेंड वीक में आएँ, कब आएँ, थर्ड वीक में आएँ, वो मैं आपको जो है आगे आती आती अपडेट्स को देख कर बता दूंगा। क्योंकि यहाँ पर बोर्ड जो है वो अब की बार मिक्सअप काम कर रहा है, बहुत सारे यहाँ पर काम एक साथ आपको बताया कर रहा है। सेंटर की न्यूज़ कल आई थी, आपने देखी या नहीं देखी जाके वो वीडियो देख सकते हैं, जिसमें सेंटर्स के बारे में बोर्ड चेयरमैन साहब ने बता दिया है कि आपके सेंटर कहाँ पर बनेंगे, आपके स्कूल में बनेंगे कहीं और बनेंगे, तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लेना। लेकिन ये जो वीडियो है इसमें आपके एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग हिंट तो दे दी है कि यहाँ पर सेकेंड वीक के आसपास जो है आपके एडमिट कार्ड जो है रिलीज कर दिए जाएंगे। अब बात करता हूँ कुछ पॉइंट्स जो आपके क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले आप ये देखो कि आपका स्कूल मान्यता प्राप्त है या नहीं है। बहुत सारे स्कूल मान्यता प्राप्त है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ कुछ एक स्कूल हैं जिनमें यहाँ पर 60,000 के आसपास बच्चे पढ़ते हैं जिनके पास मान्यता नहीं है, तो उनका पंगा हो सकता है कि उनके एडमिट कार्ड आए ना आए, लेकिन सरकार कह रही है कि भाई उनके एग्ज़ाम हम दिलवा देंगे। दूसरा आप ये देखो कि आपके यहाँ पर रिकॉर्ड्स में कोई गलती तो नहीं है। उससे भी कई बार क्या होता है एंड टाइम पे जो है एडमिट कार्ड में गलती हो जाती है और फिर पेपर देने से भी कुछ एक स्टूडेंट रह जाते हैं, फिर भागदौड़ करनी पड़ती है, बोर्ड में जाओ भिवानी वहाँ जाके उसे ठीक करवाओ। तो अपना पहले से ही ध्यान रख के चलो,
इसके अलावा जो है आपको कोई और दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं, आपके सिग्नेचर वगैरह हो गए होंगे, आपके स्कूल्स ने करवा लिए होंगे और आपके एडमिट कार्ड जो है रिलीज़ हो जाएंगे। लेकिन जब एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाएँ तो उसकी एक दो फोटो करवा के अपने पास रख लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स जो है अपने एडमिट कार्ड खो भी देते हैं, उसके बाद फिर उसको नया निकलवाओ, ये करवाओ, तो वो पंगे ना हो, इसलिए अपना पहले से सेफ होकर चलना चाहिए भाई। मेरा तो यही मानना है जीवन में कि अपना पहले से ही करवा लो, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये यहाँ पर जो है आपके एडमिट कार्ड की रिपोर्ट थी जो कि मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा आपके एडमिट कार्ड जो है फरवरी में आएंगे, ये बात क्लियर है। अब वो फर्स्ट वीक में आते हैं, सेकंड में आते हैं, सेकंड में कौन से स्टूडेंट्स के आते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरीज हैं। एक रेगुलर बच्चे हैं जो स्कूलों में पढ़ते हैं, एक ओपन के बच्चे हैं, एक ये अस्थाई मान्यता प्राप्त वाले बच्चे हैं, एक रीअपीयर कंपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रकार के स्टूडेंट्स हैं, तो किन के एडमिट कार्ड पहले आते हैं, किन के दो दिन बाद, किन के चार दिन बाद, तो वो सारे की सारी प्रक्रिया स्टार्ट होगी। और सबसे पहले मुझे जहाँ तक लगता है कि यहाँ पर जो है ओपन के आ सकते हैं, उसके बाद जो स्कूलों में पढ़ते हैं रेगुलर उनके आ सकते हैं, उसके बाद जो कंपार्टमेंट रीअपीयर के हैं उनके आ सकते हैं, और फिर ये जो अस्थाई मान्यता प्राप्त स्कूल वाले स्टूडेंट्स हैं इनके आ सकते हैं। तो वो यहाँ पर आपकी फरवरी में आने स्टार्ट हो जाएंगे, सेकेंड वीक के आसपास तक सबके आई थिंक आ सकते हैं। तो जैसे भी जो भी अपडेट आगे आती है वो मैं वीडियो के थ्रू आपको बता दूंगा, टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बात आप मान के चलिए, हरियाणा बोर्ड अब जो है अपनी तैयारियों में जुट गया है। आपने खुद देखा सेंटर की न्यूज़ आ गई, इसके अलावा जो है आपकी फ्लाइंग, आपके जो टीचर्स ड्यूटी देंगे उनके रिगार्डिंग भी एक अपडेट आई थी। इसके अलावा यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको भी बनाने का काम यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि भाई हमारे क्वेश्चन पेपर बन गए क्या। अब इस न्यूज़ से तुम खुद देखो कि यहाँ पर ऐसे बच्चे तो अभी हैं जिनका फॉर्म ही नहीं भरा गया, ये देखो न्यूज़। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन पेपर भी छपेंगे, क्योंकि देखो सबके क्वेश्चन पेपर सेम आएंगे, ऐसा तो है नहीं कि इनके अलग आएंगे, तो कहीं ना कहीं ये सारे के सारे काम होंगे। और क्वेश्चन पेपरों में अब की बार आपको जो है सिक्योरिटी फीचर्स मिलेंगे, कुछ हिडन सिक्योरिटी फीचर्स जो कि यहाँ पर आपकी नकल रोकने के लिए लगाए गए हैं। तो वो सारे की सारी अपडेट्स आपको धीरे धीरे हरियाणा बोर्ड भी देता रहेगा और हम भी आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपका एक काम है वो है स्टडी, अपनी सेल्फ स्टडी पे ध्यान दीजिए। इसके अलावा जो न्यूज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ, लेकिन मैंने फ्लाइंग वाली वीडियो नहीं बनाई। क्यों? क्योंकि भाई फ्लाइंग तो आएगी ही, तुम कहोगे तो मैं बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये अपडेट इंपॉर्टेंट थी एडमिट कार्ड की, क्योंकि एडमिट कार्ड को लेकर आपके डाउट भी रहते हैं। इसके अलावा मीटिंग भी हुई थी एक, उसमें भी कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, तो वो भी मैं आपको साथ शेयर करने वाला हूँ बहुत जल्दी कि भाई अब की बार जो है हरियाणा बोर्ड खुद लगा हुआ है, पहले नहीं होते थे ये काम, लेकिन अब हरियाणा बोर्ड जो है टाइम टू टाइम जो है स्टूडेंट्स को अपडेट करता रहता है कि भाई ऐसे ऐसे तैयारी करें, ये करें। और इंग्लिश की एक वीडियो बहुत जल्दी आएगी 10th और 12th की, जिसमें एक्सपर्ट्स ने कुछ पॉइंट्स बताए हैं कि भाई कैसे तो पेपर बनता है, कहाँ से पेपर बनता है इंग्लिश का, 10th और 12th दोनों का, और कैसे स्टूडेंट इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो मेरे पास वो अपडेट हाथ लगी थी मेरे, उसके ऊपर अभी वीडियो पे काम चल रहा है। बहुत अच्छी वीडियो इंग्लिश की आएगी जिसमें सभी स्टूडेंट्स देखें वो वीडियो, ताकि इंग्लिश में जो है तुम लोग अच्छा स्कोर कर पाओ, अपना जो है 100/100 स्कोर कर पाओ, कोई दिक्कत तुम्हें इंग्लिश में नहीं आएगी। 10th 12th दोनों के लिए रहेगी, दोनों देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपर्ट्स के उसमें व्यू मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।